पुष्पास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं नई रेसिपी लेकर आई रवा इडली बनाने के लिए। चलिए रवा इडली बनाना शुरू करें। रवा इडली बनाने के लिए मैंने एक कटोरी सूजी लिया, एक कटोरी मैंने दही लिया, बारीक कटे हुए हरे धनिए के पत्ते लिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली, नमक स्वाद अनुसार लिया। रवा इडली में तड़का लगाने के लिए मैंने आधा चम्मच राई ली, 4 से 5 कड़ी पत्ते लिए और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च पाउडर लिया। सूजी डाल देती हूँ कटोरी, एक कटोरी मैंने दही लिया, दही भी डाल देती हूँ। दही और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ इडली का बैटर बनाने के लिए। दही और सूजी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। जिस कटोरी में मैंने दही लिया था उसी कटोरी से मैंने पानी लिया, थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। जो नॉर्मल इडली अपने घर पर बनाते हैं उसी तरह से इसका बैटर रखना है। थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। बैटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमें रवा इडली का बैटर इस तरह से रखना है, ना तो गाढ़ा रखना है ना पतला रखना है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देती हूँ रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट हो गए, ढक्कन हटाकर देखते हैं बैटर को। आप देख सकते हैं हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल गई। हमें इस तरह का हमें बैटर चाहिए रवा इडली बनाने के लिए। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देती हूँ, बारीक कटे हुए हरे धनिया के पत्ते डाल देती हूँ। गैस को ऑन कर देती हूँ, गैस पर कढ़ाई रख देती हूँ। रवा इडली में तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल को गर्म होने देते हैं तड़का लगाने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका, अब इसमें मैं राई डाल देती हूँ। राई को अच्छी तरह से तड़कने देती हूँ। राई हमारी अच्छी तरह से तड़क गई, अब इसमें मैं कड़ी पत्ते डाल देती हूँ। कड़ी पत्ते भी हमारे अच्छी तरह से तड़क गए, अब इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ। राई और काली मिर्च और कड़ी पत्ते हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके, अब मैं तड़का लगा लेती हूँ। बैटर में तड़का लगा लिया रवा इडली में, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बैटर में मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देती हूँ, आधा चम्मच इसमें मैं इनो डाल देती हूँ। इनो और सोडा को डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। गैस को ऑन कर देती हूँ। जिस कढ़ाई में मैंने तड़का लगाया तो वही कढ़ाई रवा इडली बनाने के लिए मैंने ली। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें मैं रवा इडली बनाने का बैटर डाल देती हूँ। बैटर डालने के बाद मैं गैस को लो फ्लेम पे रखे, अब मैं इसको 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। 3 मिनट हो गए, ढक्कन हटा कर देखते हैं इडली को। इडली को पलट लेते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं हमारी इडली कितनी क्रिस्पी बनी है। इडली को मैंने दूसरी तरफ पलट दिया, अब मैं ढक्कन लगा लेती हूँ 3 मिनट के लिए दूसरी तरफ पकने के लिए। 3 मिनट हो गए, ढक्कन हटा कर देखते हैं इडली को। आप देख सकते हो इडली हमारी दूसरी तरफ से अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ। इस तरह से मैं सारी इडली बना लेती हूँ। रवा इडली को मैंने प्लेट में निकाल लिया, हमारी रवा इडली बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इस तरह से रवा इडली बनाए, आपकी भी रवा इडली बहुत स्वादिष्ट बनेगी। हमारी रवा इडली बहुत स्वादिष्ट बनी है, आप भी इस तरह से एक बार बनाकर जरूर खाएं। रवा इडली बनाने का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट। मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।